अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको कंप्यूटर के लैंग्वेजेस के बारे में बताया था कि लैंग्वेजेस का काम क्या है, तो आज उसके हम किस्म बताएंगे कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कितनी हैं, कौन कौन सी ज़बानें, कौन कौन सी लैंग्वेजेस वो समझता है और उसके नाम वगैरह क्या हैं। तो वीडियो पूरा देखें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। एज वी ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जैसा कि हम इंसान ज़ात एक दूसरे से बात करते हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ ज़बानों में सच एज उर्दू, फ्रेंच, पंजाबी एंड अरबिक ETC। जैसा कि हम इंसान ज़ात एक दूसरे से बात करते हैं तो किसी न किसी ज़बान में बात करते हैं। जैसे मैं अब बोल रहा हूँ तो मैं उर्दू ज़बान बोल रहा हूँ, तो ऐसे ही कंप्यूटर की भी एक ज़बान होती है। हम एक दूसरे से बात करते हैं मुख्तलिफ ज़बानों के ज़रिए, उर्दू है, पंजाबी है, अरबी है, फ्रेंच है, फ्रांसीसी है, जो भी है। सिमिलरली टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर वी हैव टू यूज़ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर कोई काम करने के लिए, कंप्यूटर से कुछ काम लेने के लिए, कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू जो है कोई काम करते हैं या कंप्यूटर से हम जो बात करते हैं, जो काम लेते हैं, उसके लिए भी हमें कुछ लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं एंड फॉर हिस पर्पस हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड, और इसी काम के लिए, इसी मकसद के लिए हंड्रेड्स के तादाद में ज़बानें डेवलप की गई हैं, बनाई गई हैं। इन विच फ्यू ऑफ देम हैज़ गेंड इंटरनेशनल रिप्यूटेशन, और उन 100 से ज़्यादा ज़बानों में से कुछ ज़बानें, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिन्होंने बैन अवी सतह पर मकबूलियत यानी शहरत हासिल की है और वो जो है ज़्यादा मशहूर हो गई हैं। सी लैंग्वेज इज़ वन ऑफ देम, सी लैंग्वेज जो है उनमें से एक है। सी लैंग्वेज आप जानते होंगे, जो कंप्यूटर सीख रहे हैं या कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा या आगे चल के पढ़ेंगे कि C++ लैंग्वेज है। उसका क्या काम है वो सब वहाँ पर सीखते हैं। हम यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा करवाते हैं। लैंग्वेज कैन बी कैटेगोरीज ब्रॉडली इन 3 कैटेगोरीज, ये जो कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज हैं उनको 3 किस्म में जो है 3 कैटेगोरीज में तकसीम किया गया है। फर्स्ट जो है हाई लेवल लैंग्वेज, पहली क्या है हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर द कंप्यूटर लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं वो कंप्यूटर की लैंग्वेज, इन विच इट इज़ मच ईजियर टू राइट ए प्रोग्राम, इसके ज़रिए हम आसानी से कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। देन द लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल जो लैंग्वेजेस हैं उनके मुकाबले में हम इनसे ज़्यादा जो है आसानी से कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। इट वॉज 1957 दैट ए हाई लेवल लैंग्वेज कॉल्ड फॉरट्रॉन वॉज डेवलप्ड बाय IBM। ये 1957 ईस्वी की बात है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है जिसको फॉरट्रॉन भी कहा जाता है, ये IBM ने बनाई थी, उसने डेवलप की थी। विच वॉज डेवलप्ड फॉर साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स, जो कि ख़ास साइंसदानों के लिए और इंजीनियरों के लिए बनाई गई थी। पास्कल और अदर हाई लेवल लैंग्वेज, पास्कल भी एक हाई लैंग्वेज का ही किस्म है। विच हैज़ गेंड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस, जिसने जो है ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है। दूसरा है लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन ओरिएंटेड एंड रिक्वायर एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। लो लेवल लैंग्वेज जो है एक मशीन भी कहा जाता है इसको, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर की मालूमात से ताल्लुक़ रखती है, जैसा कि हार्डवेयर वगैरह और कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी जो सेटिंग वगैरह होती है।
असेंबली लैंग्वेजेस ये क्या है? एज कंप्यूटर बिकम मोर पॉपुलर, जैसे जैसे कंप्यूटर आम होता गया, ज़्यादा मशहूर होता गया, इट बिकम क्वाइट अपेरेंट दैट मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वाज सिंपली टू स्लो। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो मशीन लैंग्वेज है उसकी जो है वो तमाम आहिस्त चल रही थी, स्लो चल रही थी। असेंबलिंग लैंग्वेज आर आल्सो कॉल्ड ए स्लो लेवल लैंग्वेज, ये जो असेंबल लैंग्वेज है ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज का ही किस्म है। उसके बाद है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, इट डज नॉट नीड एंड एनी ट्रांसलेटर प्रोग्राम। मशीन लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी ज़बान है जो कि कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर इसको, और इसी को किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि कंप्यूटर जो है वो हमारी ज़बानें, हमारी लैंग्वेज डायरेक्ट समझता, उसके लिए उसके अंदर ट्रांसलेटर लगे हुए होते हैं। कंप्यूटर का अपना सिस्टम है जो बाइनरी पे चलता है, वो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर वो समझता है कि मुझे क्या कमांड मिला है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।